लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता के बावजूद भाजपा बहुजन महासंघ के नेता प्रकाश अंबेडकर ने विवादित बयान दिया है। महाराष्ट्र के यवतमाल में आयोजित एक रैली के दौरान अंबेडकर ने चुनाव आयोग को 2 दिन के लिए जेल में डालने की धमकी दी। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग कहता है कि पुलवामा हमले के बारे में न बोले, क्यों नहीं बोले? बोलना हमारा अधिकार है, हम बोलेंगे। हम बीजेपी नहीं है, अगर हमारी सरकार आए तो हम चुनाव आयोग को ही जेल भेज देंगे। पुलवामा बद्दल तुम्ही बोलायचं नाही, अरे आम्ही बोलू, तुला अधिकार नाही आहे। आम्हाला बोलण्याचा अधिकार संविधानाने दिले। आमची सत्ता येऊ द्या, त्या इलेक्शन कमिशनला 2 दिवस जेलमध्ये टाकल्याशिवाय राहणार नाही। चुनाव आयोग ने प्रकाश अंबेडकर के इस बयान पर महाराष्ट्र में अपने प्रतिनिधि कार्यालय से रिपोर्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के इस मामले के संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई की गई। आयोग ने स्थानीय जिला निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में जल्द रिपोर्ट भेजने को कहा है। वैसे देखा जाए तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता दिनों दिन घटती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी पर इस शुक्रवार को फिल्म रिलीज हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस फिल्म पर पाबंदी नहीं लगाई। किसी भी परमिशन के बिना नमो टीवी धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन उस पर कोई पाबंदी नहीं लगी। वही उत्तर प्रदेश के पार्कों में लगे हाथी को कपड़ों से ढका जा रहा है। चुनाव आयोग का रवैया पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है।